जी बेटे, आपने कल फोन किया था मेरे बेटे। आओ बाबा जी, जरा थोड़ी परेशानी हल कर सकते बाबा जी? जी, कहाँ से बोल रहे थे आप? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली मद्दीन है बाबा जी। क्या समस्या है बेटा, बताइए। मैं एक ब्यूटी पार्लर डाला हूँ, मैं जो बच्चों को मेकअप वेकअप करते, देखो ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर डाला, बच्चे जो काले रहते ना उसको मेकअप करना, गोरे करना, पूरा फाउंडेशन काम रहता मेरे घर। तो और एक बाजू है जुबेना मैडम बोलते, बाजू और एक पार्लर है, पूरा कारोबार चल रही है बाबा ने। मतलब पूरा कारोबार उसने हड़प कर लिया है? हड़प कर लिया। मैं डेली के 25,000 रुपए कमाता हूँ बाबा जी, 25,000 रुपए कमाने के बदल 500 रुपए नहीं मैं कमा सकता हूँ डेली। उन्हें 25 से 30,000 रुपए कमा ले रही है। मतलब पहले जो आप कमाते थे वो 20-25 हजार रुपए रोज कमाते थे? रोज कमाते थे बाबा जी। और अब कितना है बेटा? अरे बाबा जी, 1,000 रुपए का कारोबार ना हरा बाबा जी, 300, 400, 500 पूरा कारोबार चल रही है। और बच्चों को लाके, यहाँ के बच्चों को लाके करके, जिस पर का टी शर्ट पिना के कर गए लोगों को, आइए आइए बोलते पूरा गिरा चले बाबा जी। बिल्कुल परेशान मत हो मेरे बच्चे, तुझे जो कष्ट उठाने थे तू उठा चुका है, जो नुकसान तेरा होना था वो हो चुका मेरा है। यकीन मानेंगे बाबा जी, मेरा 10 लाख का नुकसान होगा। अब मैं इतना बिल्कुल परेशान मत हो मेरे बेटे, अल्लाह के। मैं कल से शमशान घाट में किसी का काम कर रहा था, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाया आपसे। अच्छा बाबा जी, आपका नाम पूरा? हाँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुन बेटा। जी बाबा जी। तेरे पास कोई है तो नहीं बेटा? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है बाबा जी। इसमें बेटा तुझे उसका नाम, जिसका वो पार्लर है बेटा, उसका नाम और उसका फोटो है? फोटो वगैरह नहीं है। लड़के ने फोटो मिल जाती बाबा जी उसकी, मगर मेरे को आप छोटी से मेरी एक गुजारिश है कि उसको जान से मारते बोले तो काम लियो बाबा जी। मैं जब तक खुश ना रहूंगा तो मैं जाके उसकी मुंडी निकाल के ला लेता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तेरे दो काम करूंगा, पहले मेरी बात ध्यान से सुन ले बेटा, परेशान मत हो। इसमें तुझे जो है, एक तो वो लेडीज है ना बेटा, उसका नाम और उसका फोटो चाहिए, ठीक है बेटा? अच्छा बाबा जी। और एक उसका जो पार्लर है उसका बाहर से फोटो खींच लेना, ठीक है बेटा? जी बाबा जी। यानी कि उसका लेडीज का फोटो, उसका नाम और उसके पार्लर का फोटो, ठीक है बेटा? जी बाबा जी। ये आप मुझे देना है, और मैं इसमें आपके दो काम करूंगा बेटा। जी बाबा। पहला काम तो मैं ये करूंगा कि उसके नाम की जो मुटकरनी मैं शमशान घाट में छोड़ूंगा ना आज रात को, जी आज रात में उसके नाम की मुटकरनी छोड़ूंगा, कल दिन निकलते ही वो बीमार होगी, ठीक है बेटा? जान से मार देना, बीमार ना ना बाबा जी। मैं वो ही बता रहा हूँ, पहले पूरी बात सुन लिया। बोलिए बोलिए। आज रात में वो बीमार होगी, ठीक है बेटा? जी बाबा जी। और ऐसी बीमार होगी, ऐसी बीमार होगी कि कल सुबह उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, ठीक है बेटा? जी बाबा जी। और मेरे बेटे 3 दिन के अंदर अंदर उसकी बीमारी से ही मौत हो जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है बेटा? जी बाबा जी। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई दवाई उसको बचा नहीं पाएगी, ठीक है बेटा? सही बात है, सही बात है। और जीवन में कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी जो मौत होगी वो बीमारी से होगी, ठीक है बेटा? जी बाबा जी। और दूसरा काम मैं ये करूंगा कि जब 3 दिन के अंदर अंदर वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी ना बेटा, जी बाबा, इसी काम के साथ में दूसरा काम मैं ये करूंगा, उसके पार्लर को ऐसा कर दूंगा कि ये समझ ले वो जीवन में कभी दोबारा खुलेगा ही नहीं, ठीक है बेटा? सही बात है, ठीक है बेटा, सही बात। यानी कि उसके जाने के बाद में कोई दूसरा भी उसको खोल ही नहीं पाएगा, ऐसा कर दूंगा, ठीक है बेटा? जी बाबा जी। और मेरे बच्चे, ये बात जीवन में सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी, किसी से इसके बारे में बात मत करना बिल्कुल भी। सही बात है बाबा जी, ठीक है जी। खर्चा बोलिए बाबा जी, मेरे को खर्चा, मेरे को मैं क्या डालना, मोबाइल नंबर है ये? हाँ, मेरी बात सुनो बेटा जी। देख मेरे बच्चे, ये जो मैं अघोरी विद्या द्वारा शमशान घाट में आपके दोनों काम करूंगा ना बेटा जी, इसको करने में सामग्री का टोटल खर्चा तेरा आएगा 11,000 रुपए, ठीक है बेटा? 11,000 रुपए। जी जी बेटा जी। लेकिन काम ऐसा कर दूंगा मेरे बच्चे, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई उसको बचा नहीं पाएगी, चौथे दिन का सूरज नहीं देखेगी वो, ठीक है बेटा? अच्छी बात है बाबा जी। और अस्पताल के अंदर बीमारी से उसकी मौत होगी, कभी जीवन में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है बेटा? जी बाबा जी।
और उसके पार्लर को ऐसा कर दूंगा कि जीवन में कोई दूसरा भी उसको खोल ही नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा पार्लर भी नहीं खोल सकती हूँ, ऐसा आलम कर देते हो आप। तेरे आसपास क्षेत्र में कोई पार्लर ही नहीं खोलेगा मेरे बेटे। अरे बहुत जबरदस्त बात बोले बाबा जी, मेरे को चुन लिया मेरी बात। मेरे बेटे हम अघोरी बाबा हैं, हम गली मोहल्ले में बैठे हुए छोटे मोटे पंडित या मुल्ला मौलवी नहीं है, समझ रहा बेटा? जी बाबा, हम अघोरी बाबा हैं, शमशान घाट में काम करते हैं, हमारे करे को कोई काट नहीं सकता, समझ रहा बेटा? ठीक है, पैसे आपको कितने डालो भाई? ये बेटा हमारे बराबर में जो पूजा पाठ की सामग्री बेचते हैं ना बेटा, मैं सामग्री वालों का फोन पे और गूगल पे का नंबर आपको देता हूँ, उनके नंबर पे ही जमा करने आप। कितने पैसे डालना बाबा जी? ये बोल दीजिए आप। इसमें 11,000 रुपए का खर्चा आएगा दोनों काम करने में। ठीक है बेटा, ठीक है। और एक बाबा जी ये तो काम करा लूंगा मैं, और एक चामिनार की सीट से सर हूँ, एमएलए की सीट से चामिनार पे जी। एमएलए है ना, एमएलए जो पहले इस काम को तो करा मेरे बेटे। अच्छा ठीक है, मैं ये गूगल पे डाल देता हूँ, आप मेरे को नंबर भेज दीजिए, आधे पैसे डालो बाबा जी, आप पूरे डालो पैसे। नहीं बेटा, सामग्री लेकर के जब शमशान घाट में बैठेंगे। अच्छा, बेटा बाबा जी जरा मेरे को बोलो ना बाबा जी, सामान क्या लगता जी? सामान बकरा लगता। क्या कह रहे हो बेटा? बकरा लगता क्या पूछो? नहीं बेटा, इसमें बकरा नहीं लगता है सामग्री, लेकिन जो सामग्री का टोटल खर्चा आएगा ना। अच्छा, हेलो जी बाबा जी बोलो। जो सामग्री का सामान आएगा 11,000 रुपए का ही खर्चा है, इसमें एक पहाड़ी उल्लू चाहिएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, कितने दिन में होगा ये सब? मेरे बेटे कितने दिन में नहीं, अपनी कसम खा के वचन दे रहा हूँ, आज तेरा काम करूंगा, कल दिन निकलते ही वो हॉस्पिटल में होगी, समझ रहा बेटा? चल, आपका नाम बाबा पूरा? बाबा गुलशन बंगाली बेटा। ठीक है बाबा जी, मैं डाल देता हूँ आपको अकाउंट। आप एक काम करो बेटा जी, उस लेडीज का नाम, उसका फोटो और उसके जुबेदा है बाबा जी, जुबेदा है, उसके शहर का नाम कलर वाला अहमद बोल के है, आखिरी मकबर है। मेरी बात सुन बेटा, उसके पति के नाम की जरूरत नहीं है, जो चाहिए मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो पहले जी। आपको उस लेडीज का नाम, उसका फोटो और उसके पार्लर का बाहर से खींचा हुआ फोटो, ठीक है बेटा, ये मुझे व्हाट्सअप कर इसी नंबर पे। अच्छी बात है बाबा जी, मैं पैसे आप मेरे को डाल दो, व्हाट्सअप पे कर देता हूँ। कहीं को बोला तो आप भी 27,000 रुपए बाबा को दे दे क्या मैं जी, 27,000 रुपए बाबा को दे क्या मैं, अब्दुल खादर जिलानी मशहूर बाबा है, तालाब पट्टे पे रहते हो ना। बात सुन बेटा जी, मेरे बच्चे ये गली मोहल्ले में बैठे हुए छोटे मोटे पंडित मुल्ला मौलवी या बाबा इस काम को नहीं करते हैं, समझ रहा बेटा? सही बात है बाबा, आपकी बात समझ गया मैं, इनको पैसे दिया था उनके से पैसे मैं वो आ जाते, छोड़ दो आपको मैं पैसे डाल देता हूँ, कहीं को बोलो वोट ठोकरा खाया मैं। ठीक है बेटा, मैं तेरा काम आज ही करता हूँ, तू जल्दी से मुझे ये फोटो, उस लेडीज का फोटो, उसका नाम और उसके पार्लर का फोटो व्हाट्सअप कर बेटा। अच्छी बात है, सही कुछ छुतिया बना रहे बाबा लोगों को, 11,000 रुपए ना तुम्हारी लिख जाए, कैसी चेसी पड़ना, और छुतिया बना रहा लोगों को, और ओसड़ी के कभी देखा रे 11,000 रुपए लिख जाके, पुलिस वाले लंगा करके मारेंगे ना, तेरी नानी याद आ जाना, और तेरी माँ का दलिंदर मारो छिंदी चोर बाबा, बाबाओं के नाम से लोगों को लूट रहे थे, तुम लोगों का फोटो ला बोला, तेरी फोटो मेरे को मिली तो कफन पहना के दफन कर देता हूँ। और अपनी काल आवाज बहुत मीठे मीठे बात आंगा था बाबा है, कहते डोंगी बाबा है रे तू, और